हेलो एंड वेलकम टू अबी पी डिया पावर पाई बी मनी आई ये माई नेम इज़ निहार कावालिया और मैं आज कवर करने वाली हूँ की हाइलाइट्स ऑफ बजट रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इन द एग्जामिनेशन ऑफ़ आर बी एज वेल एज इन से बहुत जगह पर फाइनेंस रिलेटेड आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं पेपर में आ जाती हैं और साथ ही साथ ओवरऑल वेन यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये तो हम सबके लिए जनरलाइज पड़ जाता है तो इसको पढ़ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट है ही है उसके साथ साथ इसको देखना डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है टू टैक्स सो लेट्स अंडरस्टैंड किस तरीके से हमारे बजट के अंदर इंफॉर्मेशन डाली गई थी या इंपॉर्टेंस दी गई है डायरेक्ट और इंड्रोड्यूस इन फर्स्ट कर रही हूं बजट ट्वेंटी ट्वेंटी लुक फॉरवर्ड टू इट क्या क्या चेंजेस बड़ी बात आ जाती है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जो मैंने इन डिटेल कवर किया हुआ है इन अ प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने वो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है पहले वो इन द नेक्स्ट वीडियो आई टॉक्ट अबाउट एक्सक्लूसिवली कि क्रिप्टो करेंसीज पर क्या इंपैक्ट रहा है वो हम कवर कर चुके हैं बट ओवरऑल बजट के अंदर इनकम टैक्स को क्या जगह मिली है क्या इनकम टैक्स के अंदर कोई बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं नॉर्मल स्लैब रेट्स जो इनके चल रहे थे इन्होंने इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई स्लैब रेट में कोई बदलाव नहीं है द स्लैब रेट्स आर स्टिल द सेम दैट वर अर्लियर सो ये एक सेफर पॉइंट व्यू है कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया बट वॉट हैपन विद द अदर एरियाज क्या किया गया है इनकम टैक्स के अंदर पहले वो समझ लेते हैं पिछले कुछ समय में ना इनकम टैक्स में दे आर पुटिंग दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द ऑनलाइन वर्किंग मतलब अब वो कोशिश करने लग गए हैं कि लोग ना लिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए ओवरऑल वर्किंग के लिए क्यों ना हम लोग uh, कोशिश करें कि सब लोग डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करें एट द सेम टाइम हमारे कंट्री के अंदर जो ऑनलाइन ई फाइलिंग करने वाले जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है लास्ट ईयर की जो इनकम टैक्स रिटर्न थी उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक रिटर्न की डेट एक्सटेंड की गई लेकिन उसमें यह देखा गया कि हमारे कंट्री के अंदर जो अब इनकम टैक्स ई फाइलिंग करने वाले लोग हैं उनकी जो आ, आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग दैट आर इज इंक्रीजिंग

ल रीड या जिनके रिटर्न्स बहुत सिंपल सी हैं दे आर एबल टू डू इट हैसल फ्री यानी हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है एक पूरी की पूरी रिटर्न बनाना उसको फाइल करना सो दैट इज वट दे डोंट वॉन्ट सो दिस इज वेयर दे लुक फॉरवर्ड टू इट इन सच अ वे कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि उसमें दिक्कत आए और साथ ही साथ द गुड पॉइंट इज नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फैक्ट की लिटिगेशन के समय पर भी क्यों पर्टिकुलर पर्सन को जाकर चीजें करनी पड़े तो उन्होंने कहा कि ये जो जाने आने वाली दिक्कत होती है ना उसको भी हम

पहले क्या होता था अगर मेरी कोई गलती हो गई मतलब इफ आई फील कि मैंने अपनी एक ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी है ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट सबसे पहले मैंने एक ओरिजिनल रिटर्न फाइल की यानी समय पर रिटर्न फाइल करने वालों के पास एक ऑप्शन होती थी अगर आपके रिटर्न में कोई दिक्कत आ गई है आपको लगता है कि आपको उसमें कुछ ऐड करना है या जो आपने ऐड किया हुआ उसमें कोई दिक्कत आ गई है देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन चेंज इट ओरिजिनल रिटर्न में कोई भी चीज अगर आपके पास करने का था, मौका आता है उसे हम बोलते हैं रिवाइज रिटर्न अब इन्होंने एक और रिटर्न को उसमें इंक्लूड किया है जिसे ये लोग कहते हैं द अपडेटेड रिटर्न दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में इसका रिगार्डिंग कुछ आ जाए नंबर वन अपडेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न के बीच का डिफरेंस क्या है

क्या किया जो अपडेटेड रिटर्न है उसके अंदर उन्होंने डाल दी पेनल्टीज कैसी पेनल्टीज अगर आप पहले साल में फाइल करते हैं तो इट कैन गो अप टू ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स पेबल एंड इफ यू फाइल विद इन द नेक्स्ट यानी पहले बारह महीने तक कर रहे हो तो पच्चीस दो कितना टैक्स का एज अ पेनल्टी और अगर आप 12 मंथ से लेकर ट्वेंटी फोर मंथ दो साल के टाइम पीरियड को यूज कर रहे हो तो देनल्टी कैन गो अप अपनी परसेंट और यहाँ से भी आप बचे नहीं हो अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो उसकी भी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट आपको पे करना होता है क्योंकि टैक्स आपका एक साल नहीं दो साल तक पेबल हो गया तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना होता है अंडर सेक्शन टू ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यानी रेलिवेंट uh, क्या हो जाता है नॉट अबाउट द सेक्शन बट द पॉइंट से इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा और पेनल्टी भी देनी पड़ जाएगी यानी अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जितनी जल्दी हो सके रिटर्न फाइल कर कर फ्री हो जाओ क्योंकि जितना ज़्यादा समय लोगे अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने में उतना ज्यादा आप पर टैक्स का पेनल्टी बन जाएगा सो इट्स बेटर दैट यू फाइल इट बिफोर टाइम ना दिस इज वेयर द प्रोविजन टू फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स यानी आप टैक्स जरूर आपको और टैक्स जरूर पे करना पड़ेगा और ये उसको जो इनकम वो पहले असेस नहीं कर पाया था वो उसको यहाँ पर डाल पाएगा मोर और लेस अ गुड ऑप्शन कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसने काफी समय से अपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की है नहीं फील्स कि नहीं अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा टैक्सपेयर बन जाऊँ तो उसको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न दो साल के समय में अपडेट कर सकते हैं लेकिन नुकसान क्या है यहाँ पर जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा आपको पेनल्टी पड़ती जाएगी ठीक है पॉइंट दैट वी कैन कवर इन टर्म्स ऑफ द अपडेटेड रिटर्न वॉट नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए दे हैव बीन लिटिल गुड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर ना पहले ही लगता था देखिए uh, दो तरह के टैक्सेस होते हैं मतलब एक होता है हमारा नॉर्मल टैक्स टैक्स स्लैब में जो पे की जाते हैं टैक्स स्लैब के अंदर उन्होंने डिफाइन किया होता है कि जीरो टू टू लाख फिफ्टी तक आप अगर आप दो, दो लाख पचास हजार तक आप इनकम कमाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई टैक्स नहीं देना जैसे ही आप दो लाख पचास हजार की स्लैब से ऊपर चले गए तो आपको पांच लाख रुपए तक फाइव परसेंट तक का टैक्स पड़ जाता है अगर आप पांच लाख से ऊपर कमा रहे हो लेकिन दस लाख तक के स्लैब में हो तो आपको पे करना है टेन परसेंट सॉरी यहां पर आता है आपके पास ट्वेंटी परसेंट और दस लाख से अगर ऊपर कमा रहे हो तो आपको उस पोर्शन के लिए देना होगा थर्टी परसेंट मतलब हमारे पास ये टैक्स लैब्स हैं और इन टैक्स लैब्स पर जब हम पेमेंट करते होते हैं तो जो हम नॉर्मल टैक्स पे करते हैं ये है नॉर्मल टैक्स और उन्होंने यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और तरीका निकाला हुआ है पेमेंट ऑफ टैक्स करने का जिसको वो लोग बोलते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हम लोगों के लिए यानी इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप 20 लाख से ज्यादा रुपए कमाते हैं तो आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करना होगा विच इज एटीन फॉर अस कोऑपरेटिव्स के लिए भी वो 18.5 परसेंट था लेकिन उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर थोड़ा सा तरस खाते हुए बोला कि देखो आप जब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो पे करते हो अब वो 18.5 पॉइंट मत पे करना यू जस्ट हैव टू पे 15 परसेंट ऑफ दैट यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द बर्डन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दिया जाए इसीलिए उन्होंने उसको फिफ्टीन परसेंट पे कन्वर्ट कर दिया सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो उनके ऊपर लगता है वो एटीन पॉइंट फाइव से पंद्रह परसेंट तक ला दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने क्या करने की कोशिश की है एक प्रॉपर एरिया दे सके इसका रीज़न क्या है देखिए कंपनीज़ को तो सपोर्ट करने के लिए सरकार की बहुत सी जगह है इनफैक्ट कंपनीज एक्ट भी उनको देखता है और uh, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस uh, फेस करती हैं दैट्स अ ट्रू फैक्ट

टेंट अब उसको रिड्यूस करके वो 7 परसेंट तक ले आए यानी जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स का परसेंटेज पे करना था दैट इज कॉल्ड सरचार्ज टैक्स तो देना ही है लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो एक करोड़ से ज्यादा है और दस करोड़ से कम है तो वहां पर आपको बारह परसेंट तक का सरचार्ज एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता था दैट इज कॉल्ड सर चार्ज अब वो सर चार्ज में उन्होंने एक और कमी कर दी ट्वेल्थ का सेवन परसेंट ले गए फाइव परसेंट की रिडक्शन यहाँ भी कर दी यानी एक तरफ से जो उनके ऊपर टैक्सेशन की लाइब्रेटी बनती है उसमें भी हमने एक गिरावट डाली और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट जो हमने ये डाला कि उनके ऊपर जो सर चार्ज पड़ता था वो भी कम किया गया द बेसिक एम टू डू दैट वॉज टू हेल्प आउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट और क्या किया गया है डिसबिलिटी uh, जिनको थी द पर्सन विद डिसबिलिटी को ऑलरेडी हमारे uh, जो टैक्स रिजीम है ना उसके अंदर उनके पास कई तरह के ऑलरेडी कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल हैं ऐसा नहीं है कि हम उनके भलाई के लिए काम नहीं कर रहे ऑलरेडी हमारा जो कंट्री है उनके अंदर इन लोगों को डिडक्शन मिलते हैं अंडर सेक्शन एट्टी जी बेस्ड अपॉन देयर सेवेरिटी ऑफ डिसबिलिटी उनको डिडक्शन मिल जाती है सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज से लेकर वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज तक की ताकि अगर उन लोगों कोई प्रॉब्लम आती है देन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग कि नहीं उनको जितना कमाते हैं उसमें से उनकी डिसेबिलिटी के बेस पर इतना रुपया आप कम कर दो बेस्ड अपॉन सेक्शन एटी ठीक है और हुआ क्या है इस समय पर वो अगर कोई भी एक एनुअल पेमेंट करते हैं यानी कोई भी एनुअटी या लमसम अमाउंट पे करते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस स्कीम जो भी कोई इंश्योरेंस स्कीम के लिए वो कवर कवर uh, कर रहे हैं वो अलाउ की जाएगी इन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ देर पेरेंट्स और गार्डियंस उनके पेरेंट्स की लाइफ टाइम में मतलब उनके जो पेरेंट्स uh, हो गए या जो उनको गार्डियंस होते हैं बिकॉज कई बार कैसा होता है कि पेरेंट्स नहीं रहते तो वो किसी ना किसी को गार्डियन बना चुके होते हैं विद डिफरेंटली एबल्ड पीपल तो अगर उस केस में होगा तो दैट इज ऑन द पेरेंट्स अटेनिंग द एज ऑफ सिक्सटी ईयर उनके पास इंश्योरेंस इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड करवाई जा रही है। Again, uh, कर हैं। हैं, हैं। अगेन डिसेबिलिटी जो फेस कर उनको तो दिक्कतें होती हैं। उनके पेरेंट्स के साथ में भी दे आर गिविंग अ पर्टिकुलर स्कीम ठीक है? उसकी पेमेंट ऑफ वो की रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे अच्छी चीज की है, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मूव था वो मूव क्या था दे डिसाइडेड कि जो डिडक्शन मिलती थी एन के अंदर इनकम टैक्स के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर 12 परसेंट थी जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इट अप टू 14 परसेंट सेड की बहुत हो गया ये स्टेट और सेंटर के बीच के अंदर का ये जो एक फासला है यानी yani, इन्होंने क्या किया? That, decided that what we can do is कि ना जो डिडक्शन मिलती है अंडर एन हम क्यू ना जो हमारी स्टेट है उसको जो टेन परसेंट मिलता था उसको ट्वेल्व फोर्टीन परसेंट तक कवर करते इट वॉज एक्चुअली टेन परसेंट और दस परसेंट से बढ़कर चौदह परसेंट हो गया जो इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है अब ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम इसके अंदर क्या होता है in 2004, 2004 के अंदर, आ, क्या हुआ था देखिए काफी जगहों पर अब पेंशन खत्म हो चुके हैं यानी अब आपके और मेरे जिम्मे है कि हम अपने बुढ़ापे के लिए पैसा खुद इकट्ठा करते रहे जो सेंट्रल तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे स्टेट तो गवर्मेंट के एम्प्लॉय थे तो उनके लिए इस स्कीम को बेसिकली लाया गया था जहां पर उन्होंने कहा कि आप भी अपना पैसा जोड़ो और आपके एम्प्लॉयर भी उसके अंदर पैसा जोड़ेंगे अब जो सेंटर के अंदर है उनके पास 14% परसेंट तक की टैक्स डिडक्शन थी टैक्स डिडक्शन क्या होती है अगर आपने कभी इस बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो टैक्स डिडक्शन हम ऐसे बोलते हैं आपने कोई पैसा कमाया ठीक है सरकार ने बोला अगर यहां पैसा लगा दोगे ना इस पर मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा हाउ डू आई रिली डिफाइन इट द बेस्ट वे आई टू लुक फॉरवर्ड इज जो पैसा मैं इन्जॉय नहीं कर पाई आई गॉट द मनी बट आई एम नॉट इन्जॉय बिकॉज सरकार ने बोला यहाँ लगा दो उस पर टैक्स नहीं लगाऊंगा और मैंने वहां लगा दिया क्या मैंने उसे अपने लिए रखा क्या मैं उसको अपने अकॉर्डिंग खर्च कर पाई नहीं कर पाई तो वो टैक्स रिडक्शन की तरह बात कर दी जाती है यानी जो पैसा मैंने कमाया और सरकार की बताई जगहों पर लगा दिया तो सरकार की बताई जगहों पर लगने के कारण सरकार को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उनको जहां पर पैसा चाहिए था एक आम इंसान वहां पैसा लगा रहा है जब वो वहां पैसा लगा रहा है तो कहते ठीक है मेरी बताई जगह पर पैसा लगा तो रहा है अब मैं इस पर भी टैक्स लगा दू इतना तरस तो खा लेता हूं मैं यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको जो भी चीजें सरकार की बताई हुई इनकम टैक्स की बताई हुई जगहों पर आपने वो पैसा लगा दिया तो उस पैसे पर जो आपने पैसा लगाया है उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगेगी वो पैसा टैक्स डिडक्शन की तरह इस्तेमाल हो जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लॉइज थे उनको फोर्टीन तक का मिल रहा था जबकि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट वाले लोग हैं इन लोगों को मिलता था टेन पर अब वो कहते हैं हमारे पास कोई पैरिटी नहीं है कहते ये तो गलत बात है इसीलिए आप नहीं आपका इंप्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है इंप्लॉय पर कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनके लिए इन्होंने क्या किया कहते हैं उनको भी 14% तक का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यानी अगर जो आपका एम्प्लॉयर है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ काम कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट है आपका 빙ियर एम्प्लॉयर आपके एन पी एस आपकी पेंशन के लिए वो भी अपना पैसा जमा कर रही है तो वो पैसा जो आपके बुढ़ापे के लिए आप इकट्ठा कर रहे हो आपने भी पैसा डाला और आपके एम्प्लॉयर ने भी पैसा डाला जो एम्प्लॉयर ने पैसा डाला उसके ऊपर अप टू फोर्टीन परसेंट तक का क्या मिल जाएगा आपको डिडक्शन ये पॉइंट कहता है आपका द पैरिटी इन द नेशनल पेंशन स्कीम दे डिसाइडेड टू डू दिस ताकि हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वहां पर दिक्कत ना है और इसी के साथ साथ हमारे लेट्स बी वेरी फ्रेंक वी आ कंट्री सम हाउ हैज अजर इश्यू विद द सोशल सिक्योरिटी तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर कुछ तो और इंक्लूड किया जाए इसी के चलते उन्होंने एक सोशल सिक्योरिटी की तरफ एक और कड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट हैजेक इट वुड हेल्प इन एनहेंसिंग द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर द पीपल ठीक है सो so ये आया आपका एक और पॉइंट Chali, now let's move forward to the next point इस क्लास की आपको पी डी एफ अवेलेबल हो जाएगी ताकि आप इसको सिंप्लीफाइड वे में इसको अपने लेवल पर समझ सके बिकॉज इनकम टैक्स के अंदर और जीएसटी के अंदर पेपर के अंदर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं स्पेशली सेबी के पेपर में पिछली बार आया था फाइनेंस के पोर्शन में इनमें कई चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आती हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पर भी फाइनेंस का एरिया कवर होता है वहाँ पर आप इनकम टैक्स और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको लेकर एक अप सोच के साथ प्रिपरेशन करें ठीक है और अगर समझ ही रहे हैं तो रट्टा क्यों मारना ठीक है द द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज फॉर इंडिया के अंदर ना जो स्टार्टअप के लिए कुछ स्पेसिफिक रखे गए थे जो कि खत्म होने वाला था मतलब इस साल वो खत्म थे लेकिन हमने डिसाइड किया कि एक और साल हम उसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं यानी अब हमने क्या किया जो इंसेंटिव इंसेंटिवाइज कर दिया है फंडिंग ऑफ स्टार्टअप आप स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं तो उस केस में कैपिटल गेन की एग्जेपन एड कर दी गई है फॉर इन्वेस्टमेंट अगर आप ओवरऑल अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में समझा जाए तो जो भी स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद करने के लिए व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू दो स्टार्टअप्स वहाँ पर कैपिटल गेन्स भी हो जाती है यानी आपकी कैपिटल गेन एग्जशन यानी अगर कोई एसेट आप उनको ट्रांसफर करते हैं ठीक है उसके अंदर उन्होंने उनको जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है उस केस में भी तो वहाँ पर उन्होंने एक क्या दिए इंसेंटिव्स रखे हुए हैं स्टार्टअप के यानी हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर हमारे कंट्री के स्टार्टअप इंडिया को हम देख कर चलते हैं तो हम उस पर्टिकुलर रिलीफ को कंटिन्यू कर रहे हैं एक और साल टिल थर्टी ऑफ मार्च ट्वेंटी अनदर गुड स्टेप टेकन बाय द गेंट फॉर टॉक अबाउट दैट हम को जब हम बात करते हैं स्टार्टअप जो भी होते हैं उनको इनिशियली अपनी फंडिंग में बहुत दिक्कत आती है अगर जो उनको फंडिंग प्रोवाइड करवा रहा है उसको इंसेंटिव मिल रहे हैं और उसको टैक्सेशन में रिलीफ मिल रहा है तो वो हमारे स्टार्टअप की मदद करेगा ही करेगा सो दिस इज द गुड स्टेप दैट हैज बीन टेकन बाय द गर्मेंट ओकेस्ट पॉइंट दिस इज वॉट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ स्पेसिफिक वीडियो अगर आपको लगता है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप वो प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं साथ ही साथ एक बार और बात कर लेते हैं वॉट इज इट प्रोवाइडेड नाउ वन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस ये क्या कहती है वीडियो uh, देखिए ये पर्टिकुलर स्लाइड क्या कहती है अब यहाँ पर हुआ क्या था क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंडिया वैसे भी खुश नहीं था और वो कहीं कही ना कहीं सही भी है कि बहुत से कंट्रीज जहाँ पर ना देखिए uh, जितनी भी वर्चुअल करेंसीज हैं ये वर्चुअल करेंसीज किसी बैकडप रेगुलेटरी बॉडी के साथ नहीं है मतलब इज नो टू नंबर नंबर इसमें सिक्योरिटी इश्यूज आने पे या कोई प्रॉब्लम आने पे कोई जगह नहीं है जहाँ से आप उसको ट्रेस आउट कर सको साथ ही साथ तीसरी चीज़ आ जाती है कि इसके अंदर हाईली वॉलीटाइल एरिया ये है और अगली प्रॉब्लम ये आ जाती है अगर सबको विक्रिप्टो के अंदर इतना ज्यादा पैसा दिखने लग गया तो कोई क्यों अपने अपने बुढ़ापे के लिए एन पी एस में पैसा डालेगा क्यों कोई पी एफ में पैसा डालेगा क्यों कोई ई एस आई सी की तरफ जाएगा क्यों कोई एल आई सी में पैसा डालेगा यानी एक दिक्कत आ जाएगी हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जहाँ जहाँ से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता है और इस पैसे का इस्तेमाल जो वो सरकार करती है और उसका बेनिफिट आपको भी देती है वो सब चीज़ें क्या होंगी पीपल वुड गो फॉर द वर्चुअल करेंसीज जिसके कारण वॉलीडिलिटी अगर आ गई और सबने मेजर लोगों ने लो उसमें पैसा लगा दिया और वो पैसा डूब गया तो पर्टिकुलर पर्सन तो डूबा ही डूबा लेकिन पूरी इकोनॉमी भी तो उस पर इम्पैक्ट होगी तो इंडिया वॉज समहाउ क्लियर दैट वी डू नॉट वॉन्ट द अदर इजर्स कितने समय तक हमारे पास क्रिप्टो को लेकर एक बैन लगाया गया अभी अल्टीमेटली ये चल रहा है कि देखिए ये अभी अनरेगुलेटेड है चाइना जैसे कंट्री ने तो इसको ऑलरेडी बैन कर दिया वो कहते हैं नहीं क्रिप्टोज में इसे डील ही नहीं करना अपने कंट्री में डील करने कर लो किसी और कंट्री की या कोई बाहर की जो करेंसीज हैं क्रिप्टो करेंसी उसमें अपने पैसा लगा दे तो हम बैन लगा रहे हैं जी इंडिया ने ये नहीं बोला मैं बैन लगा रहा हूँ इंडिया कहता खेल लो खेलो है ना लगा लो पैसे लेकिन याद रखना थर्टी परसेंट का टैक्स देना उसके ऊपर मतलब अगर आपने एक प्रॉफिट कमाया थर्टी परसेंट का टैक्स देना अच्छा और एक और चीज बताना भूल गया मैं अगर लॉस होएगा ना तो मेरे पास मत आना

आप इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमको बोल दिया गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत मन है क्रिप्टो में लगाने का लगा लो लेकिन मेरे पास मत आना फिर बाद में सरकार ने क्लियरली बोल दिया और कहता अच्छा प्रॉफिट भी कमा ना तो एक काम करो थर्टी परसेंट फ्लैट मेरे को दे दो ठीक है मतलब पर्टिकुलर मेम विच इज बी यूज दैट योर प्रॉफिट इज आर प्रॉफिट

आप मेरा पैन नंबर रखोगे अपने पास और जितना आप मुझे पेमेंट करोगे उसका एक परसेंट गवर्नमेंट को जमा करा दोगे इसका फायदा क्या होगा सरकार को मालूम हुआ कि निहारिका के पास एक स्पेसिफिक जो क्रिप्टो करेंसी है वो वो बिकी है और उसके पास पैसा आया फिर वो मेरे पास आए खड़े हो जाएगी हाँ जी कमाए पैसे मैं कहां जी कमाए कहते दे दो थर्टी परसेंट अब वो मुझे टैक्स मांगेगी नाउ दिस इज व्हाट दे आर डूइंग ट्रांसपेरेंसी इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ डीलिंग द क्रिप्टो करेंसी इज रिक्वायर्ड नाउ बिकॉज डिजिटल एसेट बता दे कहते ये भी एसेट है इस पर भी टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स और इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक सेक्शन भी डाल दिए हैं अंडर टी डी एस एज वेल और इसकी टैक्सेशन और इसकी डेफिनेशन के अंदर भी यानी इसका कवर किया गया वन नाइंटी फोर एस के अंडर और हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीबीएच दो सेक्शन उन्होंने ऐड कर दिए है पूरा का पूरा बताया है क्रिप्टो करेंसी होती क्या है क्रिप्टो करेंसी पे कितना टैक्स लगेगा क्या वन परसेंट टी डी एस इसकी बात कर रहे हैं वो कैसे लगेगा और ये रहा वो लॉस वाला पॉइंट कि आपका लॉस आया ना देखो वो कहीं और सेटअप नहीं हो सकता किसी और इनकम के साथ साफ सी बात है आप देखो उसको कैसे करना है और अगर मैं किसी को गिफ्ट भी करूंगी वो भी टैक्सेशन लगा दिया नाउ दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल करेंसी इसका एक क्लियर व्यू बताऊं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता बहुत मन है क्रिप्टो में पैसा लगाने का लगा लो कमाओगे तो हमको टैक्स देना गवाओगे तो हमने तो पहले ही बोला था जी और लॉस अगर हो रहा है ना तो हमारे पास आके बोलना मत कि मेरे को इसका रिलीफ दे दो आपका लॉस खुद ही पैसा लगाया खुद देखो ठीक है ये चीज आई है आपके इस एरिया के अंदर लेट्स मूव फॉरवर्ड और भी अच्छी चीजें हुई है कुछ जैसे लिटिगेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या होती है लिटिगेशन uh, मैनेजमेंट में क्या हुआ है यहाँ पर एक अगर मैंने कोई uh, मैंने एक पर्टिकुलर केस किया ठीक है मैंने आप केस किया और मेरे जैसा केस आपने भी किया हुआ अगर दो आइडेंटिकल केसेस चल रहे हैं अगर पहले पिछला एक केस आइडेंटिकल चल रहा है तो आपके केस को अभी के लिए डेफर कर दिया जाएगा यानी पोस्टपोन कर दिया जाएगा यानी अगर एक केस ऐसा चल रहा है उसका जो फैसला आएगा अगर पहले मैंने केस कर दिया था उसका फैसला पहले आ गया वही सेम आपके उसमें तो चल जाएगा ना वही पर्टिकुलर चीज का फैसला आपके उसमें भी चल जाएगा तो क्यों दो दो तीन तीन केस चलाकर चलने हैं जब दोनों केसेस आइडेंटिकल ही हैं जो फैक्ट्स मेरी केस है वही केस में आपके भी हैं तो मेरे केस का फैसला और उसकी जो फाइलिंग जो है वो डिपार्टमेंट्स के पास शेल बी डेफर्ड आप एक काम करो अगर आपके पास कोई केस आता है वो कोर्ट में भी पेंडिंग है तो डिपार्टमेंट्स को बोल दो कि वो वेट कर ले उसका फैसला आने तक ठीक है डिपार्टमेंट शेल बी डेफर डिटेल सच क्वेश्चन ऑफ लॉ इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट लेट्स वेट इससे क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल मल्टीपल जो पीछे केसेस पाइल अप हो जाते हैं वो पाइलिंग अप नहीं होगी लेकिन कब अगर आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई स्पेसिफिक केस अभी पेंडिंग चल रहा है तो वो डिपार्टमेंट को बोलते कि रुक जाइए वहां का फैसला आ जाएगा फिर इस पर्टिकुलर केस में भी हम उस फैसले का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है दिस इज वॉट हैव डन इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशन मैनेजमेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज आई एफ एस सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के लिए उन्होंने डेफिनेटली अच्छे पॉइंट्स uh, लिए उन्होंने उनको लिएगज दी है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर कहते हैं मत देना टैक्स यानी एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है कहां कहाँ पर इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ऑफ शोर डेरीवेटिव यानी इंडिया के अंदर जो डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी नहीं ये सिक्योरिटी के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डेरीवेटिव यानी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज से आप जब डिराइव करते हो अपना बेनिफिट ऑफशोर यानी इंडिया से लिंक नहीं होंगे बाहर अगर आपके कुछ हो रहे कोई है कोई नॉन रेजिडेंट है सिंपल सी बात है बाहर का पर्टिकुलर पर्सन बाहर से ही पैसा कमा रहा है कहते मत दो टैक्स नहीं चाहिए हमको इंडिया में टैक्स इनकम ओवर द फ्रॉम द ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इशूड बाय ऑफ बैंकिंग यूनिट यानी आपने पैसा कमाया है और फ्रॉम दैट ओवर द काउंटर डेरेवेटिव अगेन के बेसिकली so क्या हुआ उन्होंने कोशिश की है कि इनके ऊपर हम थोड़ी टैक्सेशन में ढील रखें ताकि ये जो आई एफ एस है हमारे कंट्री के अंदर बड़े आराम से और बहुत अच्छे से काम कर सकें साथ ही साथ हमने क्या किया इनकम फ्रॉम रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट जो उनको मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ शिप उस पर भी कहते हैं हम नहीं लगा रहे टैक्स और उसी के साथ साथ उनकी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होते हैं अगेन इनके ना आप एक जगह पैसा नहीं लगाते आप मल्टीपल जगह पैसा लगा लेते हो उनको जो मल्टीपल जगह पैसा लगाकर उनको जो पैसा रिसीव हो रहा है कहते हैं उस पर भी हमने नहीं लगाना टैक्स यानी हम आई के ऊपर थोड़े से मेहरबान हो गए हैं और हमने बोला छोड़ दो इनको टैक्सेशन से जीने दो तो थोड़ी देर के लिए यानी हमने अभी के लिए उनको ये बेनिफिट्स दे दिए हैं अच्छा अगला क्या है हमने अगर कोऑपरेटिव्स की मदद कर दी अगर हमने आई की मदद कर दी तो एक पर्टिकुलर और जगह हमने मदद की है वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन कुछ लोग इकट्ठे मिलकर एक क्लब बना लेते हैं अब उस क्लब के ऊपर जो टैक्सेशन लगता था उसके ऊपर भी उन्होंने कहा चलो उस पर भी थोड़ी सी ढील दे दी जाए यानी उसके ऊपर जो सरचार्ज लगता था वो उसकी एक लिमिट कर दी गई है फिफ्टीन की वो कहते हैं कि ये इसलिए किया गया था ताकि अगेन कोऑपरेटिव्स के साथ में हमने प्यार इसलिए दिखाया ताकि वो कंपनीज के साथ में कंपीट कर सके क्योंकि कंपनीज के पास पैसा होता है द एरिया रिसोर्सेज होते हैं कि वो आराम से अपना काम कर सकते हैं लेकिन इनके पास तो कुछ नहीं है तो कहते हैं इनको थोड़ी सी बेनिफिट देने का समय आ गया यानी अब ये इक्वालिटी की तरफ नहीं जा रहे नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स इक्विटी धीरे-धीरे उनके ऊपर सरचार्ज कर दिया गया है 15% तक के कैप और उसके बाद वो उसके बाद उन्होंने सरचार्ज यानी अगर कोई भी लंबे समय तक एसेट को आप पकड़कर उसको बेचते हो तो उसके ऊपर जो चार्ज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर जो आप टैक्स देते थे टैक्स के ऊपर ना एक एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ती है उसको बोलते सरचार्ज वो जो सरचार्ज है उसकी एक्सक्यूज लिमिट लगा दी गई फिफ्टीन परसेंट की यानी डिसीजन हो गया कि चलो पंद्रह परसेंट पर आकर इनको देना होगा टैक्सेशन के अंदर तो इनके लिए भी एक और रिलीफ का इंट्रोडक्शन हो गया चलो आगे चले अब अपने पास और क्या है इसके अंदर करने के लिए ना लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एरिया एज वेल अपने पास आता है अब बारी आती है क्या हमारे कंट्री ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ सोचा है? यानी yani हमारे कंट्री के अंदर हमने जीएसटी के अंदर एक रिमार्केबल प्रोग्रेस देखी है जिस टाइम पर कोविड आया था ना अपना कंट्री काफी हद तक अफेक्ट हुआ था काफी क्या बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ था तो उसके बाद लेकिन अगर अब आज की बात की जाए कहते जीएसटी में हमने अपने पुराने प्री जी एस टी प्री कोविड को भी ना हम पीछे छोड़ चुके यानी uh, अपना country जो है वो अब अपनी ग्रोथ के अंदर पिछली बार से पेस में बेटर हो चुका है जीएसटी के अंदर हमारे पास एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है एंड दे tax क्योंकि आपका और मेरा पैसा जितना जीएसटी में जाता है अगेन वो हमारी ग्रोथ में कहीं ना कहीं केटर करता है हुआ क्या वो भी देखें

पता लैक रोड्स के अंदर और उसके बाद हम फिर वापस से उठना शुरू हुए और आज की सिचुएशन जब सेकंड वेव हिट की उससे पहले हम अपनी पिछली लेवल को क्रॉस कर चुके थे देन ऑब्वियसली बात है द सेकंड वेव आल्सो हैड एन इम्पैक्ट बट हम लोग पिछली बार की तरह उस लेवल जो इतना लो लेवल हमने टच किया था वहां तक नहीं पहुंचे हम काफी ऊपर थे इस बार वी वर एट अराउंड लेस करोड़ करोड़ ठीक है लाख से हम थोड़ा सा कम थे लेकिन अब देखिए हमने जितना लूज किया था उतना हम वापस से ग्रो भी करने लग गए सो ओवरऑल व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द जीएसटी कलेक्शंस इट हैज डेफिनेटली शोन अ रिमार्केबल इंक्रीज फ्रॉम द एरिया जब हम कहाँ पहुंच गए थे नियर अबाउट पॉइंट टू फाइव करोड़ से अब हम वापस से देखिए कहां तक पहुंचते जा रहे हैं वी आर एट वन पॉइंट टू के आसपास हम ऊपर ही पहुंच चुके हैं तो ये है हमारे इंडिया का जीएसटी का कलेक्शन यानी अब हमारे कंट्री के अंदर ट्रांसपेरेंट सेल्स एंड परचेज की जो वैल्यू है और उससे होने वाली कलेक्शन जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना वेन वी लुक एट द वैल्यू है नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी हमारे कंट्री के अंदर इस चीज में आपको दिखता है साथ साथ ट्रांसपेरेंसी दिखती है हमारी जीएसटी कलेक्शन के अंदर भी ठीक है तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी तो टैक्स से आने वाला रेवेन्यू बढ़ेगा टैक्स से आने वाले रेवेन्यू का फायदा सिर्फ आपको और मुझे नहीं ओवरऑल हमारे पूरे कंट्री को देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या हमने सिर्फ जीएसटी में चेंजेस किया ऐसा कैसे हो सकता है हमने अपने कस्टम्स के अंदर भी काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए हैं यानी सबसे पहले ना देखिए कस्टम जो है अब कस्टम यूज किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ इंडिया चाहता था कि हम अपनी ना एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें तो उन्होंने क्या कहा कि कस्टम एडमिशन की बात की जाए तो हम लोगों ने क्या किया कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना दे सेट के देखिए ड्यूरिंग कोविड एक चीज़ की जो रिलाइजेशन हमारी गवर्नमेंट को हुई और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है वो कि अपना काम ना पहले क्या चलता था सारा फिजिकल चलता था कि जाओ जाकर ऑफिस में अपना काम करो जीएसटी जब आया था जीएसटी ने अपने अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये की थी कि जीएसटी यानी जीएसटी का अपना पोर्टल उसका अपना नेटवर्क आ गया था अब कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती है बहुत हो गया अब हम ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी ना आई ड्रिवन तरीके से चलते हैं बहुत हो गया हम ये फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चलते हुए ना दैट्स अ गुड मूव टू बी टेकन एंड साथ ही साथ ही तो कंसेशनल रेट ये लगा रहे थे ना कैपिटल गुड्स के ऊपर कहते उसे भी खत्म करो धीरे धीरे देखिए हम ना कंसेशन दिया करते थे नाउ वेन वी लुक फॉरवर्ड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अब हम ना दूसरी चीजों की तरफ मूव कर रहे हैं हमारा कंट्री अब चाहता है कि हमारे कंट्री में बनी हुई चीजों के अंदर जो आ, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के समय पर जिस तरीके से हम रिलीफ प्रोवाइड करवाते थे उन्हें रिकेलिबरेट किया जाए अब उसमें बदलाव लाए जाए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं रिव्यू कर रहे हैं कस्टम के हम किस तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हैं आम इंसान कहता है कि मैंने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उसको इतनी दिक्कत आती है क्या करेंगे उसका हम हमें उसको कहते हैं सिंप्लीफाई कर दो कस्टम रेट्स को किसी तरीके से देखिए कैलिबरेट किया जाए कि हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर बनकर आए कि आम इंसान भी मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया से एक्सपोर्ट कर सके रेशन इज की जाए एग्जिबिशंस को टुवाज द एग्रीकल्चर सेक्टर एग्री सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इनकी हम एग्जेपन को बढ़ा दें एग्जाम्शन दी जाए एक्सटेंशन की जाए कस्टम ड्यूटी की स्टील स्क्रैप को लेकर यानी जो स्टील का स्क्रैप को हमारे पास जो उसका एक्सपोर्ट होता है उसको लेकर अपने पास कहीं ना कहीं एक क्या हो कि हमारे पास कस्टम ड्यूटी जो एग्जैंपन मिली हुई है वो आपके पास बढ़ जाए स्टील स्क्रैप को लेकर जो हमारी इंपोर्ट होती है उसको लेकर ठीक है हमारे कंट्री के अंदर जब स्टील स्क्रैप को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज लगती है उस पर हम कम करने की तैयारी कर रहे हैं साथ में जो भी हमें इनपुट चाहिए होता है रिडक्शन ऑफ ड्यूटी On for वाले हैं। साथ साथ हमने अनब्लेडेड फ्यूल को लेकर भी एक छोटी सी पहल की है हम चाहते हैं हमारे कंट्री के अंदर अनब्लेडेड फ्यूल को लेकर भी हमारे पास एक रिडक्शन uh, आए लेकिन इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे अक्टूबर ट्वेंटी से बट ये क्या है वो बढ़ते हैं ठीक है सबसे पहले द पॉइंट दैट आई नीड टू डिस्कस इज द पर्टिकुलर एग्जेपन वेयर वी आर हमारे कंट्री के अंदर ना जो ज्वेलर्स हैं हम उनके लिए एक अच्छी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं द जूलर्स आर हेयर गोइंग टू गेट अ पर्टिकुलर कस्टम रिलीफ कस्टम्स के अंदर उनके लिए रिलीफ और थोड़े बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि हमारे कंट्री के अंदर ना जो ज्वेलरी है उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आराम रहे और उसी के साथ साथ एक और चीज़ की गई है कहते फायदा दो जो बेच रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल्स नहीं है हैं। उसके लिए हमने क्या किया? अपना हाथ खींच लिया कस्टम ड्यूटी को जो, और जो है, उसमें हम कर रहे हैं, डाय फाइव परसेंट तक के रिडक्शन कर रहे हैं और नील कर रहे हैं ऑन द सॉन डायमंड्स ठीक है ताकि हमारी जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर है उसमें कोई भूस तो देखने को मिले और साथ ही साथ आप ना कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो चार सौ रुपए पर केजी की जो हम लगाएंगे इमिटेशन ज्वेलरी की ताकि ये जो इमिटेटेड ज्वेलरी है ना उनकी जो कॉस्टिंग है उसमें हमें एक थोड़ा इजाफा दिखे और इसकी जगह जो ओरिजिनल्स हैं उनकी तरफ हमारे पास एक इंप्रूवमेंट देखने को मिले सो दैट्स द पॉइंट जेम्स स्टोन्स के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसके बाद ये मैं आपको बता रही थी जो फ्यूल है फ्यूल को लेकर क्या किया है वो कहते हैं ब्लेंडेड फ्यूल अगर आप लेते हो दैट इज बेटर लेकिन अगर आप अनब्लेंडेड फ्यूल लेकर आ रहे हो इफ इट इज मोर अराउंड नाइन परसेंट से ऊपर जा रहा है तो आपको उसके ऊपर जो ब्लेंडेड फ्यूल के अंदर अनब्लेंडेड पोर्शन है तो वहां पर क्या होगा अनब्लेंडेड फ्यूल के लिए हम अडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं जी हमारे कंट्री के अंदर अब ब्लेंडेड फ्यूल को ही इंपॉर्टेंस मिलेगी इसीलिए अनपेडिड फ्यूल मंगा रहे हो तो कोई बात नहीं दो रुपए पर लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हो जाओ यानी दे हैव टू पे मोर सो वी आर नाउ वर्किंग टूवॉर्ड द ब्लेंडेड फ्यूलेंडेड फ्यूल ठीक है उसका एक मेजर यहां पर प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है उसके बाद एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं एक्सपोर्ट्स में हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे कंट्री के अंदर ना छोटी छोटी चीजें जो एक्सपोर्ट होती है यानी जिपर्स हो गए लाइनिंग मटेरियल हो गया स्पेसिफाइड लेदर हो गए फर्नीचर फिटिंग्स होगी पैकेजिंग्स होगी इनको इंसेंटिव दो ताकि हमारे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट बढ़े सी द पॉइंट इज कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अपने पास फॉरेक्स आएगा यानी फॉरन एक्सचेंज आएगा फॉरेक्स आएगा तो अपना रुपी भी तो अप्रिशिएट करेगा कितनी सारी चीजें इससे लिंक हो जाती है इसीलिए वो छोटी छोटी चीजें जो हमारा कंट्री एक्सपोर्ट करता है कहते हैं उनको इंसेंटिव दो जितना इंसेंटिव उनको मिलेगा उतना ज्यादा वो ग्रो करेंगे इंपेलिशमेंट हो गए ट्रिमिंग हो गई फास्टनर्स हो गए बटन जिपर ये छोटी छोटी चीजों को कहते हैं लेट देम ग्रो साथ ही साथ ड्यूटी उन्होंने क्या की है ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है ऑन एक्वा ताकि हम इसकी भी एक्सपोर्ट को एक बढ़ावा दे सकें सो so बस यहां खत्म होता है हमारा पूरा एरिया जहां पर हमने इनकम टैक्स के और जीएसटी के और साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस के ओवरऑल जो भी अभी इसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो हमने डिस्कस किए हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ द टैक्सेशन मैंने आपके साथ में बजट के मीजो फीस को कवर किया है ओवरऑल अगर बात की जाए नो no डाउट आम इंसान के लिए उन्होंने कुछ खास रिलीफ ऐड नहीं किया है अगर मैं एक मिडिल क्लास पर्सन की बात करूँ तो उसके लिए क्या ऐड हुआ है uh, स्लैब्स वही के वही हैं टैक्सेशन के अंदर कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपोर्ट और सेक्टर्स उसके लिए जो हुए हैं दे आर रिमार्केबल साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शंस का बढ़ना हमें ये बताता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी होर्डिंग हो रही थी और जो ब्लैक में सेल्स होती थी उसके अंदर भी आपको एक गिरावट देखने को मिलती है जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना यानी हमारे ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग दैट्स अ गुड पॉइंट बट स्टिल आई थिंक वी वुड लुक फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स ओवर देयर इन द अपकमिंग ईयर वट इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डू विद द मिडिल क्लास पीपल एंड आर अवेलेबल फॉर देम टिल देन वी वॉट रिल ओवरऑल बजट यस, इंडिया इज डेफिनेटली ट्राइंग टू कवर हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के अलग अलग एरियाज को अब हम देखने भी लगे हैं उनकी वैल्यूज समझने भी लगे हैं और उनको इंसेंटिव भी देने लगे हैं ताकि वो और ग्रो कर सकें दिस इज वेयर आई एंड माई सेशन रिगार्डिंग द बजट विद रिलेटिंग टू विध रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट टैक्सेज एज वेल एज द इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन काइंडली गोड एंड शेयर एंड लाइक इट एंड उसके साथ उसको सेव करके रखेगा क्योंकि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबका बेसिक का आपको पता होना चाहिए ठीक है सो मैं आपको मिलती रहती हूँ हमारी क्लासेस के अंदर टिल देन कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट का थैंक यू